माँ कात्यायनी की व्रत कथा। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा का विधान है। इनको माँ भगवती का छठा स्वरूप माना गया है। माँ कात्यायनी को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला माना जाता है और इनको प्रिय रंग पीला है। मानते हैं कि माँ की पूजा से न सिर्फ असीम बल की प्राप्ति होती है, बल्कि इनकी कृपा से विवाह में आने वाली अड़चनें भी दूर हो जाती हैं। दानवों और असुरों का नाश करने वाली माँ कात्यायनी देवी भगवती का छठा स्वरूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ कात्यायनी ने उनके घर बेटी के रूप में जन्म लिया था, इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी देवी कहा गया। माता का यह स्वरूप अत्यंत फलदायी है। मान्यता है कि विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों का हर कार्य सरल एवं सुगम होता है तथा समस्त कष्टों का नाश होता है। माता को मन की शक्ति की देवी माना जाता है। माता की आराधना कर व्यक्ति अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर सकता है। माँ कात्यायनी ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें युद्ध की देवी भी कहा जाता है। माता का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला और अत्यंत दिव्य है। माता की चार भुजाएं हैं। चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल विराजमान है। माता को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों की माने तो विधिवत माता की पूजा करने व कुछ विशेष उपाय करने से कन्या के विवाह का शीघ्र योग बनता है तथा योग्य वर की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ कात्यायनी की विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा से लेकर संपूर्ण बातें। माँ कात्यायनी पूजा विधि। ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। कलश पूजन कर माता को पंचामृत से स्नान कराएं। इसके बाद माता का श्रृंगार कर फल, फूल, सिंदूर, रोली, अक्षत, नारियल, पान, सुपारी, कुमकुम और चुन्नी माता को अर्पित करें। अब धूप दीप प्रज्वलित कर माता के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा का पाठ करें। इसके बाद माँ कात्यायनी को शहद और मिठाई का भोग लगाएं और आरती करें। माता को शहद अत्यंत प्रिय है, इससे माता प्रसन्न हो जाती है। माँ कात्यायनी मंत्र। ओम देवी कात्यायन्य नम। माँ कात्यायनी महामंत्र। चंद्रहासो जवलक्रा शार्जलवर वाहना। कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। माँ कात्यायनी बीज मंत्र। क्ली श्री त्रिनेत्रायन नम। माँ कात्यायनी कवच मंत्र। कात्यायन ओमुख पातु कान स्वाहा स्वरूपिणी। ललाटे विजया पातु मालिनी नित्य सुंदरी। माँ कात्यायनी स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमो नम। अन्य मंत्र। चंद्रहासो जवल कराशार दुलवर वाहना। कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। ओम देवी कात्यायन्य नम। बीज मंत्र का लाभ। बीज मंत्र का जप विशेष फलदायी माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित एक श्लोक के अनुसार 108 बार माँ कात्यायनी के बीज मंत्रों का जाप करने से रोग, दोष, भय, चिंता और कष्टों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। विवाह में आ रही अड़चन दूर करने के लिए। यदि आपके विवाह में बार बार विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए माँ कात्यायनी देवी की आराधना की थी। माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वन्मीकत का नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया।
इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने माँ भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धार्मिक रिदम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।